हेलो गाइस, मैं पायल। वेलकम टू डीएनडी न्यूज। हर एक दिन की नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, फेमस कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा हर किसी का फेवरेट है। उन्हीं में से किरदार टप्पू शर्मा का भी है। जेठालाल के बेटे टप्पू शर्मा का किरदार अभी तक भव्य गांधी निभा रहे थे, जिसमें फैंस को उनकी एक्टिंग खूब पसंद आई थी। उन्होंने काफी समय तक लोगों को एंटरटेन किया, लेकिन अभी काफी समय से भव्या गांधी शो से दूर है और गुजराती फिल्मों की ओर रुक कर रहे हैं। हालांकि आज हम उनके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में नहीं, बल्कि उनके लव लाइफ के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि भव्या गांधी का नाम सबसे पहले मास्टर जी की बेटी सोनू और निधि भानुशाली के साथ जुड़ा था। उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री लोगों को खूब पसंद आई थी। फैंस को केवल दोनों की ओर से कन्फर्मेशन का इंतजार था, लेकिन टप्पू ने लोगों की कंफ्यूजन को दूर करते हुए कहा कि वे दोनों केवल अच्छे दोस्त हैं। भव्या गांधी के इस बयान के बाद फैंस की उम्मीदों पर पानी फिर गया था, जिसके बाद अब भव्या गांधी का नाम जानी मानी टीवी एक्ट्रेस दिगांगना सूर्यवंशी के साथ जुड़ा है। दिगांगना सूर्यवंशी एक छोटे पर्दे की एक्ट्रेस है। उनकी खूबसूरती का हर कोई कायल है। दिगांगना ने 7 साल की छोटी उम्र से ही टीवी जगत में कदम रख दिया था। उन्होंने वीर की अरदास वीरा सीरियल से काफी लोकप्रियता हासिल की, जिसमें दिगांगना सूर्यवंशी ने वीरा का किरदार निभाया था। फैंस को दिगांगना का रोल काफी पसंद आया था। जानकारी के मुताबिक भव्या गांधी और दिगांगना सूर्यवंशी की मुलाकातें कवर्ड शो में हुई थी, जहां से धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ी, जिसके बाद दोनों को कई जगह एक साथ स्पॉट किया गया था। अब खबरें आ रही कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ऐसे में भव्या गांधी और दिगांगना सूर्यवंशी काफी खुश है। वो अंदाजा लगा रहे हैं कि दोनों रिलेशन में है। हाँ, लेकिन अभी तक दोनों की तरफ से इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और ना ही दोनों ने इस खबर को सिरे से नकारा है।